हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। मेरा नाम अंकुर सिंह एंड अभी मैं आया हुआ हूँ न्यूयॉर्क घूमने। सो अभी स्टे कर रहा हूँ मैं न्यू जर्सी में अपने फ्रेंड्स के साथ एंड यहाँ से मैं जा रहा हूँ न्यूयॉर्क सिटी। सो ट्रेन से जाने में लगभग 2 घंटे लगेंगे एंड वहाँ चल के एक्सप्लोर करते हैं न्यूयॉर्क सिटी। सो अभी मैं ट्रेन स्टेशन पर पहुँचा हूँ, काफ़ी छोटा सा स्टेशन है एंड टिकट वगैरह इसकी ऑनलाइन लेनी पड़ रही है। 9.75 US डॉलर्स की टिकट है न्यूयॉर्क से, यहाँ ब्रूक बाउंड न्यू जर्सी से पेन स्टेशन न्यूयॉर्क छोड़ेगी ये। उसके बाद पाथ लेनी है जो मेरे को कोर डाउनटाउन में न्यूयॉर्क में लेके जाएगी। सो अभी 5-10 मिनट में ट्रेन आएगी एंड ऑलमोस्ट 2 घंटे के अराउंड टाइम लगेगा। बाकी वहीं चल के एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या है। ये स्टेशन है छोटा सा एंड यहाँ पर ट्रेन आएगी, फिर ये पकड़ के जाएंगे हम न्यूयॉर्क। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे ट्रेन का एंड गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई, काफ़ी ज़्यादा धूप निकल रखी है एंड अच्छी खासी गर्मी है। दिल्ली जितनी तो नहीं बट काफ़ी है, मौसम काफ़ी गर्म है एंड 3-4 दिन ऐसा ही रहने वाला है अब भाई। ट्रेन तो बढ़िया है यार इनकी एकदम, अभी यहाँ पे खाली है एंड फटाफट 1 मिनट मुश्किल से रुकी एंड ऑनलाइन टिकट परचेज कर ली थी, OTT ने चेक की एंड मैं आपको घुमा के दिखाता हूँ कैसी है ट्रेन। तो ये देखो ये ऐसी सी ट्रेन है, ये देखो ये बाहर के नज़ारे। तो ऑलमोस्ट कनाडा एंड US काफ़ी ज़्यादा सेम है इन टर्म्स ऑफ यहाँ के पेड़ पौधे एंड बाकी जो सीनरी है। बाकी आगे चल के और एक्सप्लोर करते हैं भाई क्या क्या मिलता है हमें। तो 12 बजे के अराउंड में वहाँ पे ट्रेन में बैठा था एंड 1:24 पे मैं न्यूयॉर्क पहुँच चुका हूँ एंड ये स्टेशन जो है ये है एक्सचेंज प्लेस। यहाँ से स्टैचू ऑफ लिबर्टी जाना है, वहाँ के लिए फेरी की टिकट लेनी पड़ेगी, बट यहीं से न्यूयॉर्क की स्काईलाइन दिख रही है तो मैं कैमरा फ्लिप करके आपको दिखाता हूँ एंड इट इज़ लुकिंग वेरी गुड। ये देखिए ये कोई JOVN ग्रैंडी पार्क करके है एंड वो पीछे की साइड आप देखें तो वो है न्यूयॉर्क की स्काई लाइन एंड यहाँ पे ये वाला स्टेशन है जिससे मैं बाहर आया हूँ एंड साइबेरिया 1939 आई थिंक इन्होंने कोई वॉर मेमोरियल टाइप का बनाया हुआ है एंड दूसरी साइड आप देखें तो वो है न्यूयॉर्क की स्काई लाइन। बाकी चलते हैं वहाँ पे आगे देखते हैं और क्या क्या है। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने एक स्कल्पचर बनाया हुआ है एंड इसका नाम है टर्निंग हेड्स, वो रही न्यूयॉर्क की स्काई लाइन एंड स्टैचू ऑफ लिबर्टी जाने के लिए एक फेरी पकड़नी पड़ेगी। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी एक आइलैंड पे है, उसके बाद मैं डायरेक्ट न्यूयॉर्क का जो डाउनटाउन है उस साइड जाऊँगा एंड यहाँ पे आप मेरे पीछे देखें तो इन्होंने 9/11 का एक मेमोरियल बनाया हुआ है एंड उस बिल्डिंग से जो ये लोहे के पार्ट्स वगैरह डैमेज हुए थे वो इन्होंने यहाँ पे रखे हुए हैं। ये देखिए ये इन्होंने 9/11 का मेमोरियल बनाया हुआ है एंड ये फ्लावर्स वगैरह एंड पीछे जो बिल्डिंग वगैरह डैमेज हुई थी उसका उन्होंने यहाँ पर लोहे के ये लगाए हुए हैं एंड ऊपर देखें तो US का झंडा। उसके अलावा यहाँ पे जो ये आपको ये पत्थर दिख रहा है इस पर नाम वगैरह लिखे हुए हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेमोरियल, आलोक अग्रवाल, इवान शेरी, काफ़ी सारे नाम वगैरह इन्होंने इस पर लिखे हुए हैं एंड पीछे वो डैमेज्ड लोहे का इन्होंने पार्ट्स जो भी निकले थे उस बिल्डिंग से वो लगाए हुए हैं। चलते हैं आगे, फेरी वगैरह पकड़नी है एंड उसके बाद जाएंगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी। यहाँ से लगभग 20-22 मिनट की वॉक है जहाँ पे फेरी लेनी है, फिर वहाँ से जितना भी टाइम लगेगा स्टैचू ऑफ लिबर्टी तक एंड उसके बाद मैं सीधा बैटरी पार्क करके वहाँ की फेरी लेके सीधा डाउनटाउन न्यूयॉर्क पहुँचाऊँगा। बाकी मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। तो भाई 2:10 हो रहे हैं एंड यहाँ से वॉक करके जाने में लग रहे हैं जहाँ से फेरी मिलेगी 45 मिनट, तो मैंने अभी कैब बुक करी है, 2-4 मिनट में कैब आएगी एंड 10 मिनट में वहाँ पर पहुँचा देगी एंड गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो टिकट ले ली मैंने फेरी की $25 की, न्यू जर्सी सिटी की साइड से स्टैचू ऑफ लिबर्टी
देन वहाँ से बैटरी पार्क जो कि है न्यूयॉर्क में। सो आई थिंक आने वाली होगी फेरी, चल के आगे और एक्सप्लोर करते हैं। वो सामने जो देखिए आपको दिख रहा होगा ब्रिज है, काफ़ी दूर है बट मैं वहाँ पे भी वॉक करके जाने वाला हूँ। एंड ये रही स्काई लाइन, बाकी एंट्री करते हैं अंदर, लेट ना हो जाए। अभी अभी मैं पहुंचा हूं आइलैंड पे, जहां पे है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। एंड मेरे पीछे आप देखें तो ये वाली फेरी जो थी इसमें मैं आया था। एंड मूवीज़ वगैरह में अब तक देखा था, जितना बड़ा उतना बड़ा तो मुझे एक्चुअल लाइफ में दूर से तो नहीं दिख रहा था, बट अब पास आके देखते हैं। एंड ये फ्रांस ने गिफ्ट किया था US को काफ़ी टाइम पहले, एग्जैक्ट ईयर तो मेरे को याद नहीं। एंड ये कॉपर का था, तो रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज होके ये ऑलमोस्ट ग्रीन कलर का दिखता है। वहाँ पे आप पीछे देखें तो वहाँ पे डॉकयार्ड है, शिप्स वगैरह खड़े हैं एंड क्रूज शिप भी हैं। एंड यहाँ पे ये लगाए हुए होते हैं जहाँ से आप स्काईलाइन वगैरह देख सकते हो सिक्के डाल के। एंड वो देखिए ये रहा स्टैचू ऑफ लिबर्टी, चलते हैं वॉक करके आगे टू गेट अ बेटर व्यू। भीड़ भाड़ भी ठीक ठाक है, ना कम ना ज़्यादा। देखिए यहाँ पे इस बोर्ड पे इन्होंने मेंशन किया है कि इसका कलर ग्रीन क्यों है, बिकॉज वो कॉपर का बना हुआ है एंड ऑक्सीडाइज होके इसका कलर ग्रीन हो चुका है। ये रहा आपका स्टैचू ऑफ लिबर्टी, यहाँ से देख के तो काफ़ी बड़ा लग रहा है, बट हाँ ऊपर भी शायद जा सकते हैं, तो एक बार चल के देखते हैं आगे। और ये सारे क्रूज शिप वगैरह चल रहे हैं जो आपको एलिस आइलैंड एंड स्टैचू ऑफ लिबर्टी के यहाँ पे लेके जाते हैं। एंड पीछे वहाँ पे न्यूयॉर्क की स्काईलाइन है। यहाँ पे आप देखें सामने तो हम ऑलमोस्ट पहुँच ही गए डाउनटाउन न्यूयॉर्क सिटी। एंड इसके अलावा भी और छोटी छोटी ये फेरीज भी चल रही हैं, बट आप इस साइड देखिए ये रही न्यूयॉर्क की स्काईलाइन। स्टैचू ऑफ लिबर्टी से आने के बाद अब चलते हैं डाउनटाउन न्यूयॉर्क। एंड ये जो पीछे आपको दिख रही है वाली फेरी में हम आए थे, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। एंड इवन यहाँ भी देखो कितनी सारी भीड़ है, कितनी जनता जा रही है। लेट्स गो, यहाँ पे ये फिर बना के बेच रहे हैं कैरिकेचर एंड कैप्स वगैरह, पूरी मार्केट लगी हुई है भाई। इतनी जनता, इतनी भीड़ लग नहीं रहा कि किसी भारत की जगह आए हैं। ये देखिए जूसेस फ्रूट्स ये सारे वेंडर्स हैं। ये देखिए $5 में दो मिनट में बना के दे रहे हैं। कैप्स वगैरह मिल रही हैं उधर। ये देखिए सांप एनाकोंडा। ये न्यूयॉर्क यंकीज की कैप एंड पूरे यहाँ पे भी इंडिया जैसे अपने सामान वामान बेच रहे हैं, टोपी वोपी फ्रिज मैग्नेट्स। बाकी चलते हैं भाई आगे, देखते हैं दुनिया का सबसे बड़ा शहर और कैसा है। इस जगह का नाम था द बैटरी पार्क, जो वहाँ पे फेरी ने छोड़ा है। फिर ये हैं वर्ल्ड फेमस न्यूयॉर्क की येलो टैक्सी कैब्स, ये स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह हैं, ठीक है। और चलते हैं आगे देखते हैं और क्या क्या। अभी मैं वॉक कर रहा हूँ यहीं पे एक स्ट्रीट पे, एंड आपने काफ़ी टाइम ये बुल देखा होगा मेरे पीछे, दिखेगा आपको फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है आई थिंक ये वॉल स्ट्रीट। एंड ये रेजिंग बुल जो है ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है एंड काफ़ी सीरीज एंड मूवीज़ में दिखाते हैं। बाकी काफ़ी भीड़ है, चलते हैं आगे। वॉल स्ट्रीट है ये, यहाँ पे वन ऑफ द बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। एंड ये फ्रिज मैग्नेट्स वगैरह सब बेच रहे हैं, बट आई नीड टू गेट सम कैश ये ख़रीदने के लिए, चलते हैं बाकी आगे।
गाड़ियों का ट्रैफिक आई थिंक वन साइडेड है, बाकी फिगर आउट कर लेंगे आगे। यहाँ पे एक रास्ते में वॉल स्ट्रीट पे चर्च है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर, सो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। बहुत सुंदर इन्होंने ये इसकी विंडोज़ पे आर्ट वर्क किया हुआ है, एंड काफ़ी बिजी स्ट्रीट है ये, काफ़ी सारे लोग जा रहे हैं। सो दिस इज़ द कोर डाउनटाउन ऑफ न्यूयॉर्क सिटी। तो वॉल स्ट्रीट से चल के जा रहा हूँ ब्रुकलिन ब्रिज, एंड मेरे फ़ोन की बैटरी भी काफ़ी कम रह गई, सिर्फ 25% है, तो फ़ोन मैं मिनिमम यूज़ कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे मेरे पास कैश नहीं था US डॉलर, तो अभी ATM से वो निकाला, $1.69 उन्होंने चार्ज किया। एंड पूरी जैसा मूवीज़ वगैरह में हम देखते हैं पूरी वैसी वाइब आ रही है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ है। एंड आई विल शो यू, ये देखिए ये आंटी की ड्रेस पे अभी भी टैग लगा हुआ है। आगे चलते हैं, ये देखिए ये सबवे स्टेशन है। इसके बाद अभी 15 मिनट और वॉक करना है, एंड वहाँ पे आप देखिए ये भी आई थिंक काफ़ी फेमस इनका आर्किटेक्चरल है कुछ। आगे चलते हैं, आगे वॉक करते हैं। फुटॉन सेंटर, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। एंड वॉक करके वापस भी मेरे को इसी रास्ते से आना है, बिकॉज मैं न्यू जर्सी जाऊँगा जहाँ से मैं आया था, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है, उसके बाद चलते हैं वापस। ये वाली बिल्डिंग भी देखिए, ये भी काफ़ी फेमस बिल्डिंग्स में से एक है, एंड काफ़ी सारी मूवीज़ वगैरह में दिखाते रहते हैं। ये शायद चर्च है, काफ़ी सही बनाया हुआ है। ये देखिए आगे आपका ज़ारा का स्टोर, और देखते हैं भाई आगे क्या क्या है। कंस्ट्रक्शन वगैरह यहाँ भी चल रही है, टोरंटो में भी ऑलमोस्ट बंद होती नहीं है, चलती रहती है। एंड एक वो बिल्डिंग मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रही है पीछे, हल्की हल्की बारिश भी पड़ने लगी है, बट आप मेरे पीछे देखें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मेरे को ये बिल्डिंग लग रही थी। एंड जगह जगह यहाँ पे आपको हॉट डॉग्स वगैरह की कार्ट्स मिल जाएंगी, एंड बीच में एक ये छोटा सा पार्क है। और चलते हैं भाई आगे, 7 मिनट की वॉक और बची है, ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए ये पार्क है, बीच में छोटा सा फाउंटेन है, नाम वाम तो मेरे को इसका पता नहीं क्या है। एंड हॉट डॉग वगैरह के कार्ट्स काफ़ी सारी हैं, बिल्डिंग है ऊंची ऊंची, ये देखिए। और चलते हैं आगे, बारिश शुरू हो गई है थोड़ी थोड़ी, बट ये दो चीज़ मेरे को आज देखनी थी, एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी, दूसरा ब्रुकलिन ब्रिज। कितनी सारी बॉलीवुड की मूवीज़ में हमने देखा है, कल होना हो वगैरह, एंड और भी काफ़ी सारी। यहाँ पे ये स्काईलाइन है, एंड ये सारी जनता जा रही है ब्रुकलिन ब्रिज। आगे चल के और देखते हैं। सो अभी पहुँच गए हैं ब्रुकलिन ब्रिज पे, एंड बहुत ज़्यादा भीड़ है, बट मैं फिर भी आपको थोड़ा और आगे जाके दिखाता हूँ। काफ़ी सारे लोग फ़ोटोज़ वगैरह खींच रहे हैं, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर लोकेशन है ये। देखिए ये रहा ब्रुकलिन ब्रिज, बहुत जनता आई हुई है यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह खींचने। एंड उसके साइड आप पीछे देखें तो वही स्काईलाइन है, दूसरी साइड एक और ब्रिज है, नाम मेरे को उसका नहीं पता, बट वो वाला भी शायद काफ़ी फेमस है, शायद न्यूयॉर्क से न्यू जर्सी जाने के लिए यूज़ होता है जहाँ तक मेरे को लग रहा है। बाकी ये रहा आपका ब्रुकलिन ब्रिज। तो अभी जिस जगह पे मैं हूँ यहाँ से टाइम्स स्क्वायर है 15 मिनट सबवे राइड, सो कल पता नहीं टाइम मिले ना मिले, सो मैं अभी होके आता हूँ बिकॉज़ बारिश वगैरह रुक चुकी है। एंड ये स्टेशन है मेरे सामने, दिस इज़ पार्क प्लेस स्टेशन, सो यहाँ से 15 मिनट की राइड करके हम टाइम्स स्क्वायर पहुँचते हैं। तो आज यहाँ की सबवे में भी ट्रैवल करके देख लेते हैं, बट मैंने काफ़ी जगह सबवे वगैरह ट्राई किए हैं, अपनी दिल्ली मेट्रो बहुत बढ़िया है। ये आगे हम नीचे, एंड ये देखिए ये है न्यूयॉर्क की सबवे।
तो भाई मैं ऑलमोस्ट पहुंच गया टाइम्स स्क्वायर। मैं आपको घूम के दिखाऊं तो पीछे आपको लाइटें वाइटें भी दिख रही होंगी, बट बहुत ज़्यादा बदबू है भाई शहर में। एंड जो इसके सीवर के ढक्कन वगैरह है वहाँ से स्टीम सी निकल रही है। चारों तरफ देखो कूड़ा वूड़ा पड़ा हुआ है। सो ऐसा नहीं है कि न्यूयॉर्क बहुत साफ जगह हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी भी दिख रही है मेरे को, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। बाकी मैं आपको आगे फ्लिप करके दिखाता हूँ। सो ये देखिए, ये है न्यूयॉर्क की चमक धमक, पूरी स्काईलाइन है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे गिफ्ट शॉप है, आगे वो एलईडी बोर्ड्स हैं। चल के आगे और देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले मैं गिफ्ट शॉप में जाके देखता हूँ और क्या क्या मिलता है। फ्रिज मैग्नेट्स वगैरह हैं नहीं। ये है सबवे में जाने का रास्ता। सो हमें रोड क्रॉस करनी है, दूसरी साइड जाना है। अभी दो चार मिनट इस गिफ्ट शॉप पे देख के फिर जाते हैं आगे, जहाँ पे प्रॉपर सिर्फ पेडेस्ट्रियन को अलाउड है, वहाँ पे चल के देखते हैं और क्या क्या। देखें तो बहुत ही ज़्यादा चमक धमक है एंड बहुत ज़्यादा लाइटें हैं। एंड अभी मैं आपको एक व्यू दिखाता हूँ, सड़क के बिल्कुल दूसरे एंड पे सूरज छिप रहा है एंड बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। वहाँ पे सड़क के दूसरे कोने पे सूरज छिप रहा है एंड बहुत ही ज़्यादा सुंदर व्यू है। बाकी यहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग्स वगैरह हैं इन सब पे देखिए लाइटें वगैरह बहुत बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, और सारे लोग फ़ोटो खींचने के लिए रुके हुए हैं यहाँ पे। एंड हॉट डॉग्स वगैरह के कार्ट्स वगैरह आपको हर जगह मिल जाएंगी। तो ऑलमोस्ट पहुँच ही गए टाइम्स स्क्वायर, एंड यहाँ पे आने का मेरा बचपन से सपना था कि एक दिन न्यूयॉर्क जाके टाइम्स स्क्वायर जाना है। सो आज फाइनली पहुँच ही गए। एंड आप पीछे देखें बहुत ही ज़्यादा चमक धमक है। चल के आगे थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। देखिए यहाँ पे भी रिक्शा चलते हैं, ये देखिए रिक्शा चल रहे हैं यहाँ पे भी अपने इंडिया की तरह। बाकी येल्लो कैब्स हैं न्यूयॉर्क की, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा जनता है, टूरिस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, बट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग जगह है। इतनी ज़्यादा लाइटें, एलईडीज, स्क्रीन्स, ये देखिए बहुत ही जगमग है। जहाँ तक भी आप देखो आपको ये एलईडी बोर्ड्स ही दिख रहे हैं। एंड यहाँ पे भी आई थिंक वो सूरज छुपता हुआ दिख रहा होगा, इसलिए इतने लोग खड़े हैं। हम क्रॉस करते हैं आगे चल के और देखते हैं आगे क्या क्या है। सो अब तक मेरे को सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ पे टाइम्स स्क्वायर पे मिली है। बाकी जगह इतने टूरिस्ट नहीं थे, ना ही स्टैचू ऑफ लिबर्टी पे, ना ही ब्रुकलिन ब्रिज पे, बट यहाँ पे आप चारों तरफ देखें आपको लोग ही लोग दिखाई देंगे। ये देखिए यहाँ पे भी पूरी बड़ी बड़ी एलईडी लाइट्स हैं एंड सब पे कोई ना कोई एड वगैरह चल रहा है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा जगमग वाली जगह है, अलग अलग तरीके के एड्स वगैरह चल रहे हैं। एंड ये जो आपको दिख रहा है सामने, ये है ब्रॉडवे, बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये भी, काफ़ी लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। एंड आगे चलते हैं, यहाँ पे ट्रैफिक भी काफ़ी है बट यहाँ पे सिर्फ लोग हैं, तो आगे चल के देखते हैं। तो यहाँ पे तो थोड़ी बहुत देर घूमने के बाद वापस जाना है मुझे, डेढ़ दो घंटे लगेंगे ब्रूकबाउंड न्यू जर्सी जाने में। तो थोड़ा सा टाइम और स्पेंड करते हैं इस जगह पे एंड फिर वापस चलते हैं। बहुत ही बड़ी बड़ी स्क्रीन है। एक ऐसी सी जगह टोरंटो में भी है डंडस स्क्वायर, बट वो इससे बहुत ज़्यादा छोटा है, इसके कंपैरिजन में तो कुछ भी नहीं है। एंड यहाँ पे आप देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है टाइम्स स्क्वायर, ये देखिए। एंड कोई ना कोई एक्टिविटी चलती रहती है यहाँ पे। एंड बहुत ज़्यादा बिजी स्ट्रीट है, कुछ ना कुछ चल ही रहा है यहाँ पे। एंड अभी पीछे मैं आपको दिखा दूँ, डांस चल रहा है यहाँ पे।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।